खून लग गया हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। पिछले 9-10 दिनों से बहुत बारिशें हुई हैं, बहुत तूफान आए हैं, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है खुल चुका है। अभी होगी शदीद गर्मी शुरू। गंदम जो है ना बारिश की वजह से ना काफ़ी गीली हो गई हुई है, स्पेशली अंदर से। तो अभी गठरियाँ जो बांधी थी ना उनको खोल रहे हैं ताकि अंदर से भी गंदम जो है ना वो सही से सूख जाए। भाई मुदस्सर अपने बेटे के साथ आए हुए हैं, मोहम्मद के साथ। नॉर्मल सिट्टा जो है ना कुछ इस तरह का होता है, सही है, कलर भी सेम ही होता है। और जो सिट्टे ख़राब होना शुरू हो गए हुए हैं ना, वो ये देख रहे हैं आप, काले काले होना शुरू हो गए हुए हैं। ये गंदम के अंदर थे जो सिट्टे स्पेशली, वो सही है। और इनका तना भी ब्लैक होना शुरू हो गया हुआ, बहुत से सिट्टे हैं ऐसे, ये आप देख सकते हैं। कोई भी किसान ही चाहेगा कि ऐसा हो। अबू जान अपने दोस्त के खेत का जायज़ा ले रहे थे। ये वही खेत है जिसमें कुछ दिन पहले ने चारा काश्त किया, चरी काश्त की थी, ये वही खेत है। हाँ जी, जमीदी है कि नहीं वाले? जमदी भी है। और भाई मुबशर भी आ चुके हैं, ये आ रहे हैं भाई मुबशर। मैं मोहम्मद को घर छोड़ने गया था क्योंकि वो खेत में थोड़ा तंग हो रहा था, तो उसे अभी घर छोड़ के आया हूँ मैं, और वापस अभी काम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मेरी होश में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि ऐसे गठरियाँ बांध के ना खोली जा रही हैं, नहीं तो बांधने के बाद कतराई ही होती है। गंदम जो है ना ऊपर ऊपर से एकदम परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो गंदम बीच में है ना वो मसला करना शुरू हो गई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तकरीबन हमने पूरे खेत की गठरियाँ जो है ना खोल दी हैं। गठरियाँ खोलने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ मशीन वाले भाई के पास, वो सामने ही लगे हुए हैं, तो अभी उनके पास चलते हैं और पूछ के आते हैं कि क्या अपडेट है, कब हमें आप टाइम दे रहे हैं। वो सामने हमारी मोटर है, ये हमारा सारा खेत है, और ये बिल्कुल साथ ही ये इधर मशीन लगी हुई है। माशाल्लाह थोड़ा सा ही काम रह गया, ये गठरियाँ रह गई हैं सिर्फ। अभी टी ब्रेक हुई हुई है तो भाई जो है ना चाय वगैरह पी रहे हैं, तो जैसे ही ये काम ख़त्म होता है ना तो फिर मशीन ले कर भाई आ जाएंगे हमारे खेत में। भाई मुदस्सर जो है ना जान छुड़वा के भागना चाह रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की है इनको पकड़ के रखने की, लेकिन भाई मुदस्सर कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं नहीं रुकने वाला। तो अभी भाई मुदस्सर जाएंगे, जैसे मशीन लगेगी फिर आ जाएंगे। तो अभी मैं खेत में जा रहा हूँ, अबू जान भाई मुबशर उधर ही हैं, लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगा भाई साहब दुकान पर, वहाँ से तरबूज लूँगा। पक्की गाला मीठा जिन्ना आया थे, चल फिर गिरा है कच्चा ले, टकी लोवाला नहीं चाहिए। हाँ पा मानुल्ला साहब कह रहे हैं कि कट लगवा लो, कच्चा निकलेगा तरबूज। नहीं हूं तू तेन टक्की लाने पैनी है, हूं मजबूरी बन गई है तेरी। ठीक है हूं लगेगी टक्की, धोखाबाजी कर रहे ने इन्हां दी, ऐसी दी तैसी धोखा करन गया। माशाल्लाह जी लाल है जी, लाल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी तरबूज काट लिया गया है, और अभी बैठ के खाएंगे तरबूज। तरबूज नहीं भाई, वाटरमेलन दुआना। ओहो, हरी मिर्चें और टमाटर वगैरह लेने के लिए आए हैं, क्योंकि जवानों के लिए लंगर पकाना है जो कतराई के लिए आ रहे हैं। हाउ मच मिस्टर नईम? यू गिव मी 120 रुपीस। 20 रुपीस? ओनली 20 रुपीस? नहीं 50 रुपीस। 50 रुपीस? 50 रुपीस। सौदा का चिकन ले लिया हुआ है, बाकी ये मसाला भी ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी मशीन जो है आ चुकी है, मशीन अभी खेत में लगाएंगे और खेत में रस्ते के करीब लगवाएंगे, क्योंकि वो जो है ना तूड़ी वो रस्ते के करीब होनी चाहिए, वो घर को लेके जानी है, और गंदम भी घर को लेके जानी है। और रस्ते के नजदीक अगर होगी ना मशीन, तो वहां से फिर आसानी से अगर किसी गाड़ी पे, ट्राली पे, रिक्शे पे या रेड़ी पे रखनी होगी तूड़ी, तो वो आसानी से हम रख सकेंगे। अभी मशीन उतार के चले जाएंगे भाई, और अड्डा जो है वहीं पे लगेगा। मशीन इधर उतार रहे हैं, कह रहे हैं कि फिर जो है ले जाएंगे उधर मशीन भी और ट्राली भी, जिधर अड्डा लगाना होगा। हवा का हिसाब रखना पड़ता है कि हवा किधर की है, फिर उस तरफ जो है वो मशीन का रुख किया जाता है। तरपाल चाहिए गंदम डालने के लिए, तो हमारा जो है ना वो खराब हो गया हुआ है, तो ये हसन भाई का है तरपाल, मेहरबानी सर, थैंक यू। वो सामने मशीन आ चुकी है, और इस तरफ भाई भी आ चुके हैं माशाल्लाह, और इस तरफ लंगर का इंतजाम किया जा रहा है, टमाटर काटे जा रहे हैं, चिकन वगैरह जो है ना खेत में ही बनाया जाएगा। भाइयों की पिछली दफा भी डिमांड थी कि भाई मुबशर जो है ना वो कुछ खाने के लिए बनाए, लेकिन लास्ट टाइम टाइम नहीं था, अभी बहुत टाइम है। इस दफा जुल्फकार भाई जिद कर रहे हैं,
सर मैं क्या सुन रहा हूँ आपके बारे में, आप जिद कर रहे हैं? ये मुबशर भाई कह रहे हैं कि भाई मैं जरा थक चुका हूँ यार, तो मेरी जगह पे ना आ जाओ। ईमानदारी से जो बात हुई थी वो बात बताएं। तो यही मैंने कहा था कि भाई अगर आप कुकिंग नहीं करना चाहते तो मुझे बता दें, चिकन करी बनानी है, कढ़ाई बनानी है या कोरमा बनाना है, जो भी बनाना है मैं बना दूंगा। इतनी मुझे पता नहीं था यार। इसहाक भाई भी आ चुके हैं माशाल्लाह, काटन का सूट पा के आ गए ने। राह साडा हाले तक इसहाक भाई ने सही नहीं किया, इंतहाई गलत गल है, ते सानू राह बदल के जाना पै रहा कार नू। ते इसहाक भाई इधर आ जाओ, मंजी ते यार, मंजी ते आओ, मंजी ते आओ यार। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़े से देगचे को चूल्हे पे चढ़ा लिया गया है, अभी बनाया जाएगा गोश्त। माशाल्लाह सारा सामान पूरा है, चिकन को धो लिया गया है, अभी भाई जान जो है ना ऐसे ऐसे चिकन बनाएंगे। वैसे भाई जो है ना टोटल 10 बंदे हैं, तो 5 जो है ना किसी और के खेत में लगे हुए हैं, तो 5 जो है हमारे पास पहुंच चुके हैं। 2 शेफ हमारे लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मास्टर शेफ की खिदमत हासिल हो रही है उस्ताद मोहतरम की। माशाल्लाह भाई जुल्फकार से बहुत कुछ सीखा और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी सीखते रहेंगे। हरी मिर्च जाएंगी, डाल दे माशाल्लाह। इसकी शक्ति आ गई है माशाल्लाह। रोटी का बंदोबस्त है, रोटी का ऑर्डर दे दिया गया है, 70 रोटियों का ऑर्डर दिया है माशाल्लाह, क्योंकि जवान हमारे ज्यादा हैं। और टाइम जो है ना दोपहर का है, 12 हो रहे हैं, सूरज भी जो है ना ये सर पे आया हुआ है एकदम। तो अभी भाई जो है ना वो दिखाऊं क्या कर रहे हैं, पहले तो वो रेस्ट कर रहे थे क्योंकि दूसरे खेत में गंदम की कतराई करवा के आए थे। भाई जो है ना दोबारा गंदम बांध रहे हैं, इतनी सारी गंदम बांधी है भाई, लगे हुए हैं धड़ाधड़। तो अभी इतनी मुश्किल नहीं है बांधना क्योंकि रस्सी नीचे डली हुई है, बस रस्सी को पकड़ना है और थोड़ी सी गंदम ऊपर करनी है रस्सी बांध देनी है। तो कटरी तैयार हो गई, ये देख रहे हैं आप, ये स्पीड में हो गई तैयार। मशीन पहले आ गई थी और अभी ट्रैक्टर जो है ना ट्राली को भी ले आया है, औजार पूरे हो चुके हैं और मशीन जहाँ पे खड़ी है ना यहाँ पे नहीं लगानी, ये पीछे इस तरफ लगानी है बिल्कुल रास्ते के साथ, ताकि भूसा जो है ना वो उठाने में आसानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चिकन जो है बिल्कुल तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह चिकन तैयार हो गया। अभी इस पे ना ये सब्ज धनिए की गार्निश करेंगे और अभी रोटियों का इंतजार है, रोटियां आएंगी तो खाना ला दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोटियां आ चुकी हैं, 70 ने जो है ना ठीक हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शफीक अहमद रोटी खोलने के लिए तैयार है, लेकिन अपने बंदे पूरे नहीं हैं, कुछ भाई जो है ना वो आ रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं जी खेतों से होते हुए, दूसरी जगह पे काम लगे हुए थे, वो आएंगे फिर ही शफीक अहमद रोटी खोलेगा, अदरवाइज आपके सामने है शफीक अहमद पूरा तैयार है जी। ये जी 2 भाई आ चुके हैं, और यार वो देखो वो किड्डा बड़ा यार, ओए वाहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें माशाल्लाह सालन, आय हाय हाय हाय, ग्रेवी चेक करें, जवानों ने खाना खा लिया है माशाल्लाह जी। भाई लोग जो हैं खाना खा के जा चुके हैं, अभी हम खाएंगे खाना, भूख बहुत लगी हुई है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। भाई मुकरम भी आ चुके हैं माशाल्लाह सालन, देखें यार ग्रेवी जो है ना वो बड़ी मुझे फर्स्ट क्लास ही लग रही है माशाल्लाह, रोटियां सारी की सारी बच गई हैं यार। अभी जी देखना है कि तरफ की हवा है, मशीन का रुख भी इस तरफ को करेंगे, मशीन लगाने से पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि हवा का रुख किस तरफ है। अभी क्या होगा कि ये गड्ढे निकाले हैं ना, तो मशीन की बॉडी जो है ना वो पूरी ज़मीन के साथ टच हो जाएगी, फिर जब मशीन चलेगी ना तो वाइब्रेट नहीं करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मशीन सेट करके लगा दी गई है, अभी ये टायर फ्री हैं, बॉडी जो है ना जमीन के साथ अटैच हो गई है, जब मशीन अभी चलेगी ना तो वाइब्रेट नहीं होगी। तो यहाँ से ना दाने निकलते हैं, तो यहाँ पे भी गड्ढा निकाला है, यहाँ पे दाबड़ा रखेंगे, ट्राली सेट हो रही है, कभी आगे कभी पीछे, क्योंकि इसको परफेक्टली उन्होंने साथ जोड़ के लगाना है ताकि आसानी से यहाँ से गंदम इसके अंदर डाली जाए। ये जी मशीन का और ट्रैक्टर का आपस में कनेक्शन, कोलैबोरेशन हो गई है, मशीन अपनी सेट हो गई, साथ ट्राली लगा दी गई है, ट्राली तो दिखाएं। हाँ मैंने लगा दी गई है।
बेसिकली दो कपड़े होते हैं, एक दानों के नीचे डालना होता है और एक साइड पे जिसपे तोड़े रखे होते हैं। तो वो मेरे जहन में नहीं रहा, मैं एक ही तरफ ले आया हूँ बड़ा ही, लेकिन खैर ये भी उसके नीचे चला गया, कोई नहीं, काम हो गया अपना अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम जी 2:45 हो रहे हैं और अभी काम शुरू होने लगा है माशाल्लाह। भूसा निकलना शुरू हो चुका है, गंदम भी आना शुरू होगी अभी, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ने ना तोड़े चढ़ा दिया है, गंदम डायरेक्ट तोड़े में ही आएगी माशाल्लाह जी। ट्रैली पे ठेकेदार साहब खुद हैं, तथा लगा रहे हैं, बार बार हवा जो है ना अपना रुख बदल रही है। एक मसला हो गया जी काम शुरू होते ही, साथ ही मसला जी मशीन जो है ना सही लेवल करके नहीं लगी थी, उस वजह से गंदम जो है ना भूसे की जगह से निकलना शुरू हो गई थी, तो काम उल्ट फुल्ट हो गया था, तो टाइम पे पता चल गया। अभी ट्रैक्टर की मदद से ना मशीन को सेट कर रहे हैं, सेट करके फिर लगाएंगे, फिर उम्मीद है कि भूसे की जगह से सिर्फ भूसा निकलेगा और गंदम जहाँ से निकलनी है ना वहाँ से सिर्फ गंदम निकलेगी इंशाल्लाह। जब ऐसे फसल निकल दिया ना तो देख के ना रूह खुश हो जाती है जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन साफ सुथरी कणक सोनी निकल रही है माशाल्लाह। एक तोड़ा गंदम निकल भी आई है माशाल्लाह जी। हाँ जी अबू जी, सोना सोना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। अबू जान खुश हो चुके हैं गंदम को देख के अल्हम्दुलिल्लाह, और गंद बीच में बिल्कुल नहीं आ रहा, एकदम साफ गंदम है। भाइयों ने बहुत ही बड़ी गठरी बांधी हुई है, ओ यार, तो एक भाई उठाएंगे इस बड़ी गठरी को, तीन रस्सियों से बांधा हुआ है इस गठरी को, यार लाइयोगे साजी, ओए जिंदाबाद, क्लैपिंग भाई, ताड़ियां। यार भाई की हिम्मत को सलाम है, बहुत बहुत ही वजनी है, नॉर्मल गठरी का साइज और इस गठरी का साइज आप देख सकते हैं, और इतना भूसा हो भी गया माशाल्लाह, वाह जबरदस्त। सांप निकला जी, सांप, वहीं पे आज हम गठरियां खोल रहे थे और वहीं से सांप निकला जी, और जवानों को मिला सांप, अल्लाह हू अकबर। इसके नीचे है जी, ओ यार वो किड्डा सांप है यार, ओ खून लग गया हुआ है, ओए होए 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 होए, बहुत बड़ा सांप है यार। ये गठरी जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि इसको नहीं छेड़ना, इसे इधर ही रहने दें, उसके अलावा ये गंदम जो है ना इसे भी ना छेड़ें, इसे भी इधर रहने दें, इसको तो खून लग चुका है गंदम को ना सांप का, मुझे पता है, और इस गंदम की तरफ वो गया था जब जख्मी था ना सांप, तो इस गंदम की तरफ गया था। सुबह जब मैं गठरियां खोल रहा था ना, तब मेरे जहन में हल्का हल्का आ रहा था कि कहीं नीचे सांप ना घुसा हो, क्योंकि बहुत दिनों से गंदम की गठरियां जो है ना खेत में पड़ी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी बचत हो गई या किसी को नुकसान ही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 26 तोड़ों के करीब करीब अपनी गंदम निकल चुकी है माशाल्लाह, और गंदम जो है ना एकदम साफ है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। मशीन को बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हवा जो है ना चेंज हो गई है, एकदम ना उलट हो गई है हवा जी, वापस इस तरफ को भूसा जो है ना जाना शुरू हो गया था उलट साइड को, मशीन को बीच में ही रोकना पड़ गया है क्योंकि हवा चेंज हो गई थी। अभी दिखाता हूँ आपको कि किस तरफ की हवा थी, मशीन जो है ना हमने इस तरफ की लगाई हुई थी, अभी देखें ये बिल्कुल उलट हो गई थी हवा जी। अभी जी हमें अड्डा चेंज करना पड़ेगा, पहले इस तरफ को मशीन लगाई हुई थी तो अभी हवा चेंज हो चुकी है, तो अभी मशीन जो है ना इधर लगाएंगे मुंह इस तरफ को करके। मुझे नहीं पता था कि मेरे ब्रदर इन लॉ भी ट्रैक्टर चला लेते हैं, तो अभी ट्रैक्टर चलाएंगे, मुझे नहीं पता था सच में, और लगे लगे भाई ठीक है, मान गया रोक लो हूं भावे
अल्हम्दुलिल्लाह जी गंदम जो है अपनी बड़ी ज़बरदस्त निकल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चूँकि अभी साइड चेंज होनी है, वो सामने आप मशीन देख सकते हैं, मशीन का रुख जो है वो इस तरफ को होगा, तो इधर गंदम पड़ी हुई है। तोड़ों को हम ऊपर से बांध रहे हैं ताकि मशीन जब चले ना तो गंदम में भूसा ना जाए, इसके ऊपर कपड़ा डाल देंगे। माशाल्लाह जी भाई मुदस्सर जो हैं चाय लेके आए हैं, बहुत सारी चाय, आए हाय आए हाय। भाइयों ने कहा था कि हम मीठा पानी नहीं पियेंगे, हम पियेंगे चाय। भाई अभी रेस्ट कर रहे हैं और साथ पी रहे हैं चाय, आए हाय आए हाय। और साथ भाई जो है ना एक तोड़े बांध रहे हैं गंदम के, जबरदस्त चासा आ गया बादशाह। इस गंदम को जी इधर ही कवर कर देंगे। दोबारा जी मशीन को चला दिया गया है और वो सामने अपनी गंदम पड़ी हुई है, उसको कवर कर दिया है हमने तरपाल से ही। अभी उस पर बहुत धूल पड़ने वाली है तरपाल पे, बट चलो कोई बात नहीं, चाय खत्म हो गई थी भाई, अगेन गए थे चाय लेके आए हैं। मशीन को कर दिया गया है जी बंद, काम हो गया है जी खत्म। ये जो रस्सियां बची हैं ना, ये भूसे के ऊपर डाल दी हैं, अगर हवा भी चले ना तो जहाँ जहाँ पे ये रस्सियां पड़ी हुई हैं ना, वहाँ वहाँ से ये भूसा उड़ेगा नहीं। वैसे पानी का छिड़काव भी करते हैं, या जो मछलियां पकड़ने वाला जाल नहीं होता वो भी डाल देते हैं लोग, अगर तूफान आने वाला हो या तूफान आया हो तो। भाई जो है अभी मशीन लेके जा रहे हैं, पीछे दूसरा ट्रैक्टर बच गया है, ट्रैली है, मेरे ब्रदर इन लॉ जो है ना वो ये ट्रैक्टर लेके जाएंगे। भाइयों ने माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त काम किया है, तो अभी भाइयों का काम खत्म हो चुका है। तो भाइयों के साथ जो हमारी डील हुई थी, जो बात हुई थी, ये हुई थी कि एक एकड़ के 3 मन दाने, हमारा 1.5 एकड़ खेत है, तो अभी 4.5 मन जो है ना वो गंदम जाएगी भाइयों को। गंदम जो है ना वो ट्राली में लोड करनी है और घर लेके जानी है, दैट्स इट, काम हो गया तमाम। अभी जी तोड़ों की गिनती भी करनी है, क्योंकि मशीन वाले भाई को ना 10वां हिस्सा जाएगा, मतलब 10 तोड़ों में से एक हिस्सा जो है ना मशीन वाले भाई को जाएगा, जिन्होंने कतराई की है ना, ये ट्रैक्टर ट्राली मशीन जिनकी है ना उनको जाएगा हर 10वां तोड़ा। सिकलैन भाई का ना बहुत दिल कर रहा है ट्रैक्टर चलाने का ना, ये थोड़ा बहुत चला लेते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। रामलाल राणा साहब मेहरबानी है तुहाड़ी, ओ तेरे हाथ कीमती जाना नहीं, ओए ओ भाई ओए यार, लड़का चला लेता है माशाल्लाह, वाह जी वाह। पुता थोड़ा गया हो पीछे नु डिग पाओगे, बंदा ना वाजे भाईओ, हथे हथे भाईओ। तो अभी ये वाली गंदम जो है ना ये लोड करनी है ट्रैक्टर में, ट्राली में, सॉरी यार, लड़के ने ट्रैक्टर चला लिया यार। ट्राली में जी 10 तोड़े गंदम आ चुकी है माशाल्लाह, और अभी ये तोड़े रहते हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितने ज्यादा तोड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी 50 तोड़े गंदम निकली है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, और ट्राली जो है आप देख सकते हैं भर गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और 50 तोड़े हैं, तो ट्राली वाले भाइयों को, ट्रैक्टर वाले भाइयों को 5 तोड़े आएंगे गंदम के माशाल्लाह। ये हसन भाई का तरपाल है और ये दानिश भाई का तरपाल है, 2 तरपालों की जरूरत पड़ गई थी भाई साहब। अभी जी हम निकलने लगे हैं घर के लिए, मेरे ब्रदर इन लॉ ट्रैक्टर चलाएंगे। ओके जी, जान दो जी। बचपन की एक आपको बात बताता हूँ, जब भी गंदम की कतराई होती थी ना, और मेरे ब्रदर इन लॉ ट्रैक्टर चला रहे हैं ना, तो मुझे उनकी ड्राइविंग पे इतना यकीन नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। खैर, बचपन में ना जब गंदम की कतराई होती थी, गंदम ट्राली में ऐसे लोड करके हम घर लेके जाते थे ना, तो ऐसे ट्राली में बैठ के सफ़र करने का जो मज़ा आता था ना भाई साहब, जहाज़ में किसी भी चीज़ में बैठ के वो मज़ा नहीं आता भाई साहब, जो ये सफ़र मज़ा देता था खेत से लेके घर तक का। गहरा साफ हले भाई साहब, बड़े आराम से जी टर्न ले रहे हैं, गुजर जाएगी सुकून से। सकलैन भाई आगे से समझा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी खैर खरिया से हम पहुंच चुके हैं अपने घर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्फा जी बाहर बैठ के देख रही है कि क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना गंदम उतारी जा रही है, गंदम जा रही है घर। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारी गंदम घर जा चुकी है, पीछे ट्रैक्टर वाले भाई की गंदम रह गई है 5 तोड़े। बहुत बहुत शुक्रिया ठेकेदार साहब, बड़ा मजा आया तो नाल काम करके, थैंक यू सो मच। अभी घर जो है ना 45 तोड़े हैं गंदम के माशाल्लाह, और अभी इस गंदम में से उशर भी देना है। तो अभी ये तरपाल जो है अपने दोस्तों के घर से लेके आया था मैं, तो उनको वापस करके आएंगे। सकलैन भाई थोड़ा दाबड़ा जी,
थोड़ी मेहरबानी जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी डिनर का टाइम हो चुका है। ये इधर चने की दाल और चिकन माशाल्लाह, ए मसरां दी दाल है जी, मसरां दी दाल माशाल्लाह। अभी खाऊंगा खाना और फिर करेंगे जी रेस्ट। तो खैर आज का व्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।